अभी गाइस ये घर आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों का रहना सहना, इनका क्या कल्चर है, तो वो चल के हम आपको दिखाते हैं। और अगर सराउंडिंग में देखा जाए तो ये फुली डेजर्ट है और डेजर्ट में ये लोग रहते हैं और यहाँ का किस तरह से सर्वाइवल करते हैं, सो ये हम आपको आज दिखाने की हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। और सबसे पहले अगर इस साइड पर देखा जाए तो ये एक नल सा लगा हुआ है, क्योंकि इनके यहाँ पे वो पंप वगैरह लाइट्स वगैरह नहीं होती, इस वजह से ये लोगों ने अपना पंप वगैरह लगाए। उसके बाद हम आपको ये घर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखें जी, ये है इनका घर और ब्यूटीफुल सीन सा आ रहा है, ये देखो जी। तो घर में गाइस हमेशा ना जिसे कहते हैं ना ऑक्सीजन, अगर शहरों में देखा जाए तो हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ के डेजर्ट वाले इलाकों में या फिर चोलिस्तान पंजाब पाकिस्तान के चोलिस्तानी इलाकों में जो है वो ज़्यादातर इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो इनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नल है, मतलब पंप वगैरह नहीं लगा हुआ? क्यों लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, सही है सही है। कि सब्ज़ी वगैरह काश की, यार ये बड़ा खूबसूरत आपने बना के रखा हुआ है। मतलब गाइस घर में देखो कि हमेशा ना खूबसूरती के लिए एक छोटा सा एक खूबसूरत प्लांट सा लगाना और उसको इस तरह से मेंटेन करके रखना, ये बहुत अच्छी और बहुत ही भली बात होती है। ये देखिए जी, यहाँ पे इन्होंने सब्ज़ी काश की हुई है, मूली, पालक, कुछ फूल, कुछ धनिया, कुछ गार्लिक और उसके अलावा ये कुछ पौधे वगैरह, और बहुत खूबसूरत और इट्स ऑसम गाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस प्लेस इन द चोलिस्तान डेजर्ट एंड यू नो इट्स अ लुक अ वेरी ऑसम एंड ब्यूटीफुल एंड आई विल शो ऑफ दिस कम्युनिटी एंड लिविंग स्टाइल ऑफ द पाकिस्तान कम्युनिटी। ये ईंट पड़ी हुई है। अच्छा, ये आप खुद बनाते हो? जी, आप खुद बनाते हो? अच्छा, मतलब गाइस ये देखो कि जो चीज़ ज़रूरत होती है वो लेके नहीं आते, वो डायरेक्ट खुद बना लेते हैं, ये इनके यहाँ पे बहुत अच्छी बात होती है। और अगर ये ऊपर देखा जाए तो ये खूबसूरत से पेड़ वगैरह लगे हुए हैं ऐसा छाँव के लिए, और ये एक प्यारा सा डोगी बैठा हुआ है। ये प्यारा होता है लेकिन ये ना काटता है, यहाँ के डोगी ना बड़े ख़राब होते हैं, काटते हैं, सही है। और ये सामने आप किचन देख सकते हैं लोगों का, सही है। किचन से पहले यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे इनके एनिमल्स वगैरह बांधे गए हैं, चार दीवारी बकरियों के लिए, और यहाँ पे किचन वगैरह बनाया गया है। और किचन के अलावा अगर किचन में देखा जाए तो गाइस ये लकड़ी से आग जलाते हैं, ना कि इनके यहाँ पे कोई ऐसी गैस वगैरह की कोई सिस्टम है। सो इनको अभी प्रमोट होने के लिए अभी बहुत कुछ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत करनी है हमने और आपने मिल के, सही है। इस वीडियो को वायरल करना है और इनको वहाँ तक पहुँचाना है जिसे इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, सही है। और ये इनके यहाँ पे जिसे बोलते हैं अलमारी वगैरह, सही है। ये अलमारी में मतलब है ये कुछ बर्तन वगैरह रख देते हैं और उसे ये वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं, सही है। और ये चारपाई इसी पे सोते हैं, इनके यहाँ पे कोई बेड वगैरह या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये चारपाई ही होती हैं, सही है। और यहाँ पे टॉयज़ रखा हुआ है एक बच्चे को खेलने के लिए, ये देखिए जी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बच्चा सोया हुआ है लेकिन ये टॉयज है भाई, ये ये टॉयज है जी, देखो बहुत खूबसूरत यार होना चाहिए, इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे वो खेलते हैं। सो अंदर चल के भी हम आपको दिखाते हैं। और ये एक डेजर्ट में ना सबसे ज़्यादा जो पानी को कूल रखता है ना वो रेफ्रिजरेटर होता है, लेकिन डेजर्ट में ये इस तरह से कोई जो है क्ले पॉट्स होता है, मिट्टी के बर्तन, घड़े जिसे बोला जाता है, इसके अंदर से पानी वगैरह ठंडा पिया जाए। अब ये हमें भाई पी के दिखाएंगे कितना ठंडा है ये पानी। पियो, ठंडा दिखाना हमें भाई, कितना ठंडा है ये? ठंडा है जी, काफ़ी ठंडा होगा, वाह। ये देखें जी, ये मतलब एज अ रेफ्रिजरेटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, सही है। सो जरूरत होती है, मजबूरी से हाँ ज़रूरत तो होती है लेकिन ये मजबूरी से होती है बिल्कुल। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जी, पूरा एरिया यहाँ पे बिल्कुल एक डेजर्ट का बना रहा है। ये देखो जी, बहुत खूबसूरत
उन्होंने एक बाउंड्री वॉल बनाई हुई है और यहाँ पे भी एक खूबसूरत से बनाई, मतलब अगर शहरों वाले घर को सजा सकते हैं तो हम भी सजा सकते हैं, हाँ चाहे मगरबी हो चाहे जो कुछ भी हो, सही है। ये कुछ दरख्त लगाए इनके यहाँ पे गर्मियों में, मतलब एक डेजर्ट होता है, एक तो वैसे ही डेजर्ट बहुत गर्म होता है और ऊपर से इनकी छाँव नहीं होती, तो इन्होंने ये इन्होंने रिसेंटली अभी लगाए हुए हैं, जो भी एक दो साल के अंदर जो है वो तैयार हो जाएंगे, सही है। सो अंदर चल के देखते हैं, अंदर दिखाओगे हमें? ये बर्तन वगैरह रखे हुए हैं जी, यहाँ पे कुछ खाना सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ये खोल के दिखाओ इसके अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, इसमें इसमें इसके अंदर रोटी पड़ी हुई है जी, और ये इसके अंदर सालन, ये सालन है, ये देखो नमक मिर्ची वगैरह वगैरह, सही है। यहाँ पे इनका कुछ जिसे कहते हैं को मिर्च वगैरह 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 सिस्टम पड़ा हुआ, ठीक है। अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। अच्छा ये आप अगर ये दीवार को देख लो तो ये दीवार बिल्कुल गुजारे लायक है, बिल्कुल ये देखो फटी पड़ी है, ऐसे होता है गिरने वाली है, हाँ सही, अंदर भी कच्ची है। अगर हम अंदर आपको चल के दिखाएं तो ये इनके यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह, कुछ डर्मी वगैरह पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ सामान वगैरह। सो ये देखो जी, ये दो चारपाई, तीन चारपाई जिस पे कुछ सामान, और ये अंदर से छत भी कच्ची है, छत भी कच्ची है गाइस, ये देखो जी, मतलब ये कुछ दो से तीन साल निकालेगी, दो तीन साल ही क्या निकालेगी। ये देखो अभी रिसेंटली ये वाली जगह जो है ये गिरने वाली है, ये देखो ये भी टूटने वाली है, देखें गिरने वाली है ऐसा, यार गाइस ये देखो बहुत ही अमेजिंग लाइफ है। और ये जो आप दीवार देख सकते हो तो ये कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, कच्ची ईंटों की बनी हुई है, यार हमेशा इन जैसे घरों को प्रमोट करना चाहिए हमें भी और आपको भी, मतलब आप एक फजूल चीज़ देखने की बजाय अगर आप इनके ये चीज़ देख लें तो। और इसके अंदर जो कुछ इनका सामान पड़ा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, कितना इन्होंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कितने भाई ये खोल के दिखाओगे इसके अंदर क्या है, आटा है इसके अंदर, इसके अंदर आटा है जी, मतलब ये देखो जैसे आज से 90 साल पहले की कोई चीज़ हो उस तरह की, मतलब इतने यार वो अमीर वगैरह नहीं है कि कुछ नई चीज़ें खरीद पाएँ। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ये देखो खाने की ग्रोसरीज, सही है। तो कुल मिला के इनके यहाँ ये ही कुछ होता है, इतना कर लो इतना कर लो, ये कुछ ही होता है, सही है। सो इट्स अमेजिंग, हमें चाहिए कि इनको प्रमोट करना चाहिए, और अगर आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प शुरू करना। और इस कमरे में क्या है, ये वैसे बंद किया हुआ है, ये भी आपको चल के दिखाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में जो लोकल बाइक्स चलती है ये वो वाली है, इनके यहाँ पे वो फरारी वगैरह वो कार वगैरह वो ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते, एक जस्ट नॉर्मल होती है 15-20 हज़ार की बाइक, उस पर ही वो गुजारा वगैरह करते हैं, सही है, मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी वाले घर में। और यहाँ पे ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे वो सामान वगैरह, यहाँ पे कुछ ट्रंक वगैरह देखेंगे, ये कुछ यहाँ पे इस ये मशीन है, इस पर ये थोड़ा सा कपड़ा सीते हैं, कपड़े सीने की मशीन है, कपड़े सिलाई करते हैं, और ये अपना जो है वो खर्च वगैरह पूरा उठाते हैं, अपने घर का जो है वो खर्चा वगैरह करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ट्रंक्स वगैरह पड़े हुए हैं, और ये दो चार पाई पड़े, यही कुछ है इनके घर में, और इनके घर में कुछ भी नहीं है। कुल मिला के देखा जाए ये कुछ छत देखो कच्ची है, पंखा लगा हुआ है बट लाइट नहीं है, देखो जी ऐसा ही है कुछ, तो यही कुछ है हमें जी। अच्छा चाय बना के दिखाओगे, दूध वगैरह नहीं करना, अरे चले कोई नहीं, दूध का मसला है, दूध का मसला इसलिए चाय नहीं बन पा रहे। सो घर बनाने के लिए चार दीवारी करनी, सही सही सही, चार दीवारी करनी है अपनी, ओके मकान और बनाने हैं, सही है। सो गाइस आपने करना ये है कि इंस्टाग्राम आईडी लिंक में दी हुई होगी, अबाउट सेक्शन में होगी, आप इनसे बात भी कर सकते हैं, और जो कुछ आपने पूछना हो वो आप इनसे लाइव कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। So if you have liked my work, so please subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Okay, ji. Okay.